हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, हम एक्सरसाइज जो है 15.1 कर रहे थे। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट, सेवन्थ क्वेश्चन, वो हम रह गया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज, ठीक है, पर मीटर इज 580 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग। प्लगिंग मीन्स होता है जोतना, ठीक है। प्लगिंग दिस फील्ड एट रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन जो है आपको पेपर में मिल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन देते हैं इसमें। तो बोला था कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड, एक गोलाकार, कहें तो वृत्ताकार, गोलाकार नहीं वृत्ताकार कहेंगे उसको, एक वृत्ताकार हमारे पास एक फील्ड है एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर फेंसिंग करनी। फेंसिंग का मतलब चारों तरफ इसके रस्सी लगानी है, फिर ठीक है ऐसे कर सकते हैं, चारों तरफ इसको हमें कुछ बांधना है, ठीक है। और इसका जो रेट है वो है 24 रुपीज पर मीटर के हिसाब से 5,280 रुपीज आप आता है, ठीक है। इसका मतलब चादर रस्सी मानने का मतलब है कि सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस यहाँ पर है, वो कह रहा है कि 24 रुपीज पर मीटर के हिसाब से इतना खर्चा आता है। तो एक मीटर का खर्चा कितना है, ठीक है, हम देखते हैं। यानी कि एक कितना, इससे कितना मीटर लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो टोटल मीटर निकल जाएगा अगर आप 5,280 में 24 का डिवाइड कर दो, ये तो टोटल रुपीज है और एक रेट है, ठीक है। तो टोटल मीटर निकल जाएगा आपके पास। तो इसी टोटल फेंसिंग सर्कल फेंस के बराबर होगा, तो डिवाइड करते हैं 24 2 48 48 and 0 220, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस कितना आ गया, 220 आ गया। तो सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr = 220। देन r इक्वल टू रेडियस निकल जाएगी इससे, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 220 × 7/2 × 22। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 2 × 22/7 होगी, तो यहाँ जाएगा उल्टा हो जाएगा वो, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से ले रहा हूँ आर की, तो ये कैंसिल 10 times, ये 5 times, 5 × 7 = 35 meter, ये आ गई रेडियस, ठीक है। आर की वैल्यू आ गई 35 meter, तो आर 35 meter आ गई। तो हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग दिस फील्ड एट रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। और इसका एरिया निकालना पड़ेगा। प्लगिंग मतलब कि बीच में खेत जोता जा रहा है, ठीक है, खेत को जोतना, यानी कि बीच में से जोता जाएगा, साइड से थोड़ा जोते हैं खेत। प्लगिंग माने प्लग करना, यानी कि जोतना। तो जब खेत को जोतते हैं तो उसका जो कॉस्ट निकालना है वो आ रहा है 0.50 रुपीज पर मीटर, यानी आधा आधा रुपये, ठीक है, 50 पैसे। तो पहले एरिया निकाला जाएगा। एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, हमारे को रेडियस चाहिए, रेडियस हमने यहाँ से निकाल ली है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 × r² यानी कि 35 × 35, ये हो जाएगा आपका पास 1/10 × 35। 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 3 8 3 5 0, ठीक है, ये हो गया आपके पास एरिया। अब इस एरिया को हमें क्या करना है, इतने मीटर स्क्वायर है, इतने मीटर स्क्वायर को जोतना है, और एक का खर्चा कितना है, 0.50 मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो इसको डिवाइड कर देते हैं,
ठीक है, इसे आधा हो जाएगा तो कॉस्ट आ जाएगी आपके पास 3,850 अपॉन 0.50 ले लो, ठीक है। अगर रुपए में चेंज करना चाहते हो तो आधा रुपए में चेंज कर लो, 50/100 करूँगा कितना आ जाएगा, आधा हो जाएगा ना, आधा रुपए, यानी कि 3,850 का मैं डिवाइड करता हूँ अगर हाफ से, तो कर दो यहाँ पर आप 1,925, इतने रुपए का खर्चा आएगा, 1,925 रुपये लगेंगे उसमें खर्चे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह के सवाल जो है आपको करने के लिए कुछ सोचना होता है, सोचने के लिए पहले आपको उसमें डिवाइड करना होगा, डिवाइड करने से आपको क्या मिलेगा, टोटल मीटर मिलेगा, कितने मीटर क्या इसका घेरा है, घेरा मतलब बाहर बाहर की बाउंड्री, जो तो बाउंड्री होती है वो सर्कमफेरेंस के बराबर होती है, तो सर्कमफेरेंस के बराबर करने पर यहाँ से क्या निकल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, ठीक है, रेडियस मिलेगा तो रेडियस से क्या निकल जाएगा, एरिया, एरिया निकलने के बाद उसकी कॉस्ट निकल जाएगी, आप मल्टीप्लाई कर दो 0.50 को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 0.50 को, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मैं यहाँ मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ, 0.50 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो सबसे क्या हो जाएगा हाफ, ठीक है, पॉइंट आया यहाँ लगाया 100, तो ये कट के क्या हो गया हाफ, हाफ का हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, तो डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट लेक अपने टॉपिक की तरफ, इसके जो क्वेश्चन हैं वो सारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, टॉपिक है हमारा एरिया, अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है और सेगमेंट ऑफ सर्कल, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो एक पोर्शन होता है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास मान लो ये एक सर्कल है और इस सर्कल में सेंटर है, इस सेंटर में आपके पास ये दो रेडियस है, दो रेडियस के बीच वाला हिस्सा जो आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग हो, जो इस आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग हो, ठीक है, वो वाला हिस्सा आपके पास क्या कहलाता है, सेक्टर, ठीक है, ध्यान रखना, दो रेडियस के बीच वाला पार्ट जिसमें साथ में ये आर्क भी इंक्लूड हो, ठीक है, ये आर्क भी क्या हो, इंक्लूड हो, उससे हम क्या बोलेंगे, सेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें डेफिनेशन लिख देता हूँ, दी पोर्शन और पार्ट ऑफ दी सर्कुलर रीजन, ठीक है, सर्कुलर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, एनक्लोज यानी कि बंद, ठीक है, एनक्लोज माने बंद, आपको इंग्लिश की टर्म्स याद आनी चाहिए, बाय टू रेडियस, ठीक है, एंड दी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और हमने आर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ द सर्कल, समझ आ गया होगा, ये एरिया, इसका हमें एरिया निकालना है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, हमने देखा ये जो सेक्टर होता है ना, मान लो ये ए हो गया और ये बी है, इस ए ओ बी जो सेक्टर आपको दिख रहा है, इसमें ये मान लेते हैं एंगल है थीटा, ठीक है, एंगल ए ओ बी बराबर हम मान लेते हैं क्या है, थीटा है, और ये थीटा है ना वो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है, 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा,
व्हेन एंगल एट द सेंटर इज इंक्रीज, अगर हम एंगल बढ़ाते हैं सेंटर का, ठीक है, व्हेन द एंगल एट द सेंटर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, बढ़ता है, देन द लेंथ ऑफ द आर्क, देन द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, आर्क यानी कि चाप, ठीक है, ये आर्क है हमारे पास, आर्क ए बी इज आल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है, इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो। भाई आप खुद देखिए एंगल कैसे बनेगा, एंगल बढ़ेगा जब आप इसको बढ़ाओगे, यानी कि ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ जाए, ठीक है, ये और दूर होता जाए तभी तो एंगल बढ़ेगा इसके बीच का, ठीक है। तो एंगल जब बढ़ेगा इसके बीच का तो इसके जो आर्क है ए भी यहाँ पहुँच जाएगा, बी यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, तो इसका जो ये आर्क है ये भी बढ़ जाएगा उसी रेशो से। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आर्क का जो लेंथ है वो भी बढ़ती जाएगी, राइट। व्हेन द आर्क सबटेंड एट एंगल ऑफ 180 डिग्री, अगर आर्क यहाँ पर ये 180 डिग्री हो गया एंगल, तो जो आर्क है ना वो सेमी सर्कल यानी कि आपके आधा जो सर्कमफेरेंस है पाई इंटू आर, टू पाई आर होता है पूरा, सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसके लेंथ के बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। तो हमने जो फॉर्मूला बनाया है, द लेंथ ऑफ द आर्क दैट सबटेंड एट एंगल ऑफ थीटा सबटेंड्स एन एंगल ऑफ थीटा बराबर पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, ठीक है, या फिर हम कहें तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे बात वही है, और लेंथ क्या हो जाएगी 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, लेंथ ही तो है, क्लियर, लेंथ की बात हो रही है, थीटा यहाँ भी आ रहा है, यानी आपके एंगल ऑफ थीटा बराबर लेंथ हम बता रहे हैं, ठीक है। तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 ले लो, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब याद रखो कि लेंथ में हमेशा सर्कमफेरेंस काम में आता है, लेंथ में सर्कमफेरेंस काम में आता है, और अगर हम एरिया बात करें तो फिर यानी कि सेगमेंट बात करें तो फिर एरिया काम में आएगा, ठीक है। सो एरिया निकालना वो भी हम आपको बता देते हैं, एंगल एट द सेंटर 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री सेंटर हो तो फिर एरिया क्या हो जाएगा इसका, आप खुद बताओ, अगर ये आर के आपके पास और ये ए और बी यहाँ पहुँच जाएं, ए बी यहाँ पे थे यहाँ पहुँच जाएं, तो फिर इसका आर्क तो ये रहा, आर्क तो हो जाएगा सेमी सर्कल के बराबर, और एरिया एरिया भी क्या हो जाएगा जितना सेमी सर्कल का एरिया है, और टोटल एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर एट एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री हो तब पाई आर स्क्वायर बाई टू, तो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। जब एरिया की बात करें जाए तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और जब आपसे बात की जाए लेंथ की तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, इतना सा फर्क है बस, कोई ज़्यादा याद रखने के लिए भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट जो हमने माना था यहाँ पे वो था लेंथ, अगर लेंथ और इसमें रिलेशन तो है ही, ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो आप खुद देखिए फर्स्ट और सेकंड से क्या फर्क है इसमें, पाई है आर है, एक आर कम है यहाँ पर और टू यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, तो अगर मैं इस वैल्यू को इसमें रखना चाहूँ यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ बाय
वन एंड टू, ये वन है ठीक है, तो क्या आ जाएगा ए बराबर वन बाई टू एल इंटू आर। बताइए होगा ही नहीं, अगर इसमें मैं आधा कर दूं और आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ए के बराबर आ जाएगा ना, तो ये इसका मतलब कि एल में यदि आधा कर दिया जाए बाई टू और आर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ए के बराबर आ जाएगा, तो ए बराबर क्या हो गया हाफ इंटू एल इंटू आर, ये रिलेशन हो गया एल और आर ठीक है। तो आपके पास ये तरीका बन गया, तो यहाँ पर हमेशा ये ध्यान रखना है, नोट डाल लो कि एंगल जो है ना हमेशा थीटा में होना चाहिए, एंगल थीटा इज टेकन इन डिग्री, थीटा मतलब कि डिग्री में होना चाहिए, टेकन इन डिग्री, ऐसे नहीं है कि आपके पास वो डिग्री में नहीं हो, एंगल जो है आपको थीटा जो है डिग्री में लेना ही पड़ेगा तभी यहाँ पे काम चलेगा ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो टर्म है आपने इसे समझ लिया सेगमेंट, अब सूत्र याद हो जाएंगे तो सवाल इजीली हो जाएंगे, बस फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है, आपने समझा दिया, जहाँ पर एरिया काम में आ रहा है वहाँ पर सर्कल का एरिया लगाना है पाई आर स्क्वायर और बाई टू कर दोगे कि यहाँ पर हाफ की बात हो रही है ठीक है, पूरे में तो हो सकता नहीं चीज, पूरे में तो फिर सर्कल ही मान लिया जाएगा, और जहाँ पर लेंथ की बात हो रही है वहाँ पर सर्कमफ्रेंस हो जाएगा हाफ सर्कमफ्रेंस, पूरा होता है टू पाई आर, हाफ हो जाएगा पाई आर ठीक है। तो ये आपके पास दोनों के फॉर्मूले हो गए, इसके लिए आप इसको याद रखिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।